ठीक है बेटा, देखो जब बात करते हैं थोड़ा उन फॉर्मूला की जो हमें एक्सरसाइज 7.4 में करने हैं, ठीक है। और जैसे कि भाई कल तो मैंने क्या किया था, कल मैंने इसका बेसिक ऑलरेडी करा दिया था, तो फॉर्मूला याद करके आया ना भाई, है याद है? तो एक बार देख लेते हैं जो कल फॉर्मूला कराए थे मैंने वो क्या क्या है। एक तो हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म मिलेगी, कैसे, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है भाई। एक तो हमारे पास ही होता है ये फॉर्मूला। उसके बाद एक मैंने समझाया था आपको डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर याद नहीं होंगे तो भैया कुछ काम नहीं चलेगा। फिर 2a अपॉन में log और ऊपर a माइनस एक्स, नहीं a प्लस x और नीचे a माइनस x प्लस में c, ठीक है ठीक है। और उसके बाद dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx, इसका होता है 1/2 में a टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यही फॉर्मूले किस में आते हैं, अंडर रूट में आते हैं हमारे पास, ठीक है। अंडर रूट डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। उसके बाद अंडर रूट डी एक्स और अगर इसी का करें एक्स स्क्वायर प्लस इसी का, अगर प्लस में लेके चले ना, अगर इसी का ये वाला वर्जन लें प्लस वाला, तो ये जाएगा सेम log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है। और एक लास्ट लें अगर हम, कौन सा वाला, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। ये वो तमाम फॉर्मूले हैं जो क्या होना चाहिए, हमें आने चाहिए, ठीक है भाई। और अगर ये फॉर्मूले हमने किए नहीं ना तो समस्या आ जाएगी। और कल मैंने क्या करा था बेटा, इसका, हाँ कल मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया था, ठीक है। सर पढ़ जरा पहले सवाल पढ़ो, इंटीग्रेशन द फंक्शन, हाँ पहला x 3x स्क्वायर अपॉन में 6x x की पावर 6 प्लस 1, क्या करना है इसका, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है ना। चलो भाई करते हैं, क्या दिक्कत है, इसलिए तो हम बैठे हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो भाई बैठे भाई हम। तो क्वेश्चन नंबर पहला है क्या है, 3x square अपॉन में, हाँ x पावर सिक्स प्लस वन, ठीक है भाई, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भाई क्या है ना, 7.4 है तो ये तो आपके सामने एकदम क्लियर है कि इनमें से ही, मतलब इनमें से ही कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और सॉल्व होगा भाई, है ना। तो एक काम करते हैं यार कि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो करना है, तो कैसे किया जाए। तो आपको पता है ना कि यार अब इसमें कोई डिवाइड रूल तो लगेगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका है, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं काम करते हैं कि थोड़ा नीचे वालों को हम तोड़ देते हैं, नीचे वालों को, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या कि यार एक्स के पावर 3 और इस पूरे के पावर 2 प्लस में 1, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये डी एक्स, अब यहाँ पर लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कि लेट भैया, लेट एक्स की पावर 3 इक्वल टू में टी,
जो x की पावर 3 है उसे क्या लेट कर लो, टीलेट कर लो भैया, x की पावर 3 को टीलेट कर लो, तो अगर इसको टीलेट करोगे तो कितना आएगा, क्यों हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन में dt, t का डेरिवेशन क्या होगा 1, तो 3x स्क्वायर dx इसे वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा dt। तो देखो भैया 3x स्क्वायर dx इसके जगह क्या जाएगा dt, तो सर क्या करो इसका जगह आ जाएगा dt, और x क्यूब को हमने क्या लेट किया था t, तो हो जाएगा t स्क्वायर, और ये जो 1 है इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भाई, ठीक है। अच्छा अब लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा भाई, कौन सा लग रहा है, तीसरा वाला लग रहा है भाई, ये वाला, तो लिख देते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का क्या होता है, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी, ठीक है भाई, ये सूत्र यहाँ लगने वाला है। तो सेम ये इसके बराबर है, तो 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में ए मतलब 1 टेन इनवर्स एक्स, एक्स के यहाँ पर क्या आएगा टी, और ए ए मतलब 1 प्लस में सी। पर यार हमने तो क्वेश्चन किस में लिया था, हमने तो क्वेश्चन किस में लिया था, एक्स में लिया था ना, तो क्या होगा भाई टेन इनवर्स, और जहाँ पर टी है वहाँ कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस में सी, ठीक है भाई, एक बार आंसर आ गया, चेक कर ले भाई एक बार आंसर, एक बार क्या है, एक बार ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल इतने में, अब तो आंसर चेक करते रहे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाँ हाँ 1 अपॉन में 4x स्क्वायर, ठीक है भाई इतने में तो आंसर चेक कर, मैं से करता हूँ भाई, ठीक है भाई, ठीक है चलिए सर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर और dx है ना, अब यार इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका एकदम डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या देख भाई क्या करेगा देख भाई, डायरेक्ट तरीका ये है कि 1 अपॉन में जो अंडर रूट है ना ये, तो 1 को तो देख तो 1 का स्क्वायर लिख सकता है ना, और इसे क्या लिख सकता है 2x का स्क्वायर, पर ध्यान से देखो भाई ध्यान से एकदम बढ़िया से, ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ कि इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है बाद में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका उनमें से ये भी है। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट वाला, ये किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, 5 वाले से मैच कर रहा है, ध्यान दे अभी ये सवाल थोड़ा सा इसमें आगे कुछ बहुत सारे वो होने वाला है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली आगे, इसको ध्यान से देखिए एक बार, देख क्या है ना इसमें करेगा ना इसको, तो डी एक्स अपॉन में कायदे से कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमारा इससे मैच हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि भैया है ना, लिखना क्या, चलो यार सामने है ही हमारे पास, आपको दिख रहा है, तो यानी ये पूरा काम कर रहा है किसका एक्स का, ये पूरा काम कर रहा है किसका ए का, ठीक है, तो 1 अपॉन में अंडर रूट x² + a² बराबर होता है इसके, यानी ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स है ना तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस अंडर रूट x² + a² एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस a मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, किसका 1 का, ठीक है, और ये हो जाएगा, हो गया ना। अब बट एक चीज़ सोच, थोड़ा एक चीज़ देख, जो फॉर्मूला है ना फॉर्मूले में a जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, वो अकेला है, और x के साथ कोई नंबर आ रहा है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर 2 आ रहा है, तो जब भी कोई कुछ को जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए इस प्रकार के फॉर्म आए कि x के साथ कोई कोएफिशिएंट आ रहा हो,
तो आप ऐसे कर दो, अब पूरे को डिवाइड कर दो, किसको, जो x का कोफिशिएंट है, 2 से डिवाइड कर दो, तो इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, तो यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 log और 2x प्लस, आप देख ले बेटा ये क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया भाई, चेक कर ले एक बार, एकदम आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कर, ठीक है बेटा क्वेश्चन थर्ड क्या है, हाँ बोल लो, वन अपॉन में, हाँ ब्रैकेट में टू माइनस का होल स्क्वायर, टू माइनस, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ प्लस वन, बाहर प्लस वन, ये हमारे पास है बेटा, ठीक है ये हमारे पास है। तो यार तरीके बहुत सारे हैं, एक तरह का ये भी है, तो क्यों ना 2 माइनस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, 2 माइनस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, है ना, तो लेट 2 माइनस एक्स बराबर क्या मान लो, टी। तो अगर आप 2 माइनस एक्स को टी मानते हो तो देखो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का एक्स क्या होगा, माइनस डी एक्स फोन में डी टी, टी का क्या होगा 1, तो हो जाएगा माइनस डी एक्स बराबर डी टी। तो यानी कि भैया इसको मान लिया सकते हैं ऐसे माइनस डी टी, यानी भैया जहाँ पर डी एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी टी, और नीचे इसे क्या माना हमने, टी माना है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और 1 को क्या ले सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, ये माइनस से बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये बन गई एक, ये बन गया एक फॉर्मूला। अब बेटा फॉर्मूला कौन सा वाला है, ना है ना, कौन सा वाला, लॉग वाला। कि सर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि डी टी अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अनी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, ये होता है, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं करना, जहाँ पर एक्स है वहाँ रख देना है टी, है ना, और ये ए की जगह आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा लॉग एक्स का मतलब टी, एक्स का मतलब टी और ए का मतलब 1 प्लस में सी। लॉग बटे टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स। अच्छा ध्यान दो एक चीज लिखना भूलेगा, माइनस भी तो बाहर, बाहर माइनस भी है, बाहर माइनस भी आएगा, बाहर माइनस भी आएगा, बाहर माइनस भी आएगा, प्लस अंडर रूट में जो टी है ना, टी क्या है 2 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स, है ना, अंडर रूट क्या चाहो तो इसको ओपन कर दो, नहीं तो ऐसे ऐसे छोड़ दो, है ना, ऐसे चाहो तो ओपन कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो एक काम करो, एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करो, देख बेटा ये माइनस माइनस है ना, तो इस माइनस को हम क्या ले सकते हैं, माइनस 1 इंटू लॉग, बताओ भाई लिख सकते हैं, अरे माइनस को क्या ले सकते हैं, माइनस 1 इंटू लॉग 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, बोलो। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा ना कि यार देखो एक लॉग का फॉर्मूला होता है, क्या वाला, कि भाई n log m, है ना, तो अगर कभी n log m होता है तो इसे क्या ले सकते हैं हम, log m की पावर, ये n ऊपर आ जाएगा, है ना, यानी इसे मैं ले सकता हूँ ऐसे कि
log 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। और भाई ये है ना, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ये इसकी पावर आ जाएगी, ये माइनस इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ यार, एक चीज़ बताओ, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस, जैसे हमने कहा कि अगर मान लो x की पावर माइनस फाइव है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे x की पावर फाइव उल्ट अपॉन में ले आएंगे उसको, तो ये भी ऐसे हो जाएगा log 2 माइनस एक्स है ना, मतलब अपॉन भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 ऐसे आएगा, ठीक है। अब चाहो तो यार इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, चाहो इतना ही छोड़ दो भाई, है ना। अब हो सकता है एनसीईआरटी ने और सॉल्व किया हो, हैं, इतना छोड़ दिया, कहीं ऐसा हो ना, क्या पता ऐसे कर दिया हो क्या, लोग अपॉन में लोग मन है ना, कोई नहीं कर लो भाई, ठीक है ना। dx में 1 अपॉन में अंडर रूट, हाँ, 9 माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है, तो ये काम कर ले बेटा, इसे क्या ले सकते हैं हम, dx अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 25 को क्या ले सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये काम करेगा किसका, a का, और ये काम करेगा पूरे x का काम करेगा नहीं, ये काम करेगा a का, ये काम करेगा x का। अब एक चीज़ देखो बेटा, एक चीज़ देख, यहाँ पर एक चीज़ देख कि इससे है ना, इसके साथ कोई भी नहीं कर लो ना, इसके साथ जो फॉर्मूला मैच कर रहा हमारा है ना, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है ना कि डी एक्स अपॉन में अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है बेटा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही होता है ना, पक्का है ना, ये हमारे पास, तो यानी ये क्या करेगा सर, सेम यहाँ आ जाएगा, तो ए की जगह आ जाएगा 3 और एक्स की जगह आ जाएगा ये, तो सर साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दे बेटा देखो, एक्स मतलब 5x और ए मतलब 3 प्लस सी, पर मैंने बेटे क्या बताया था, बेटे मैंने ये समझाया था कि साथ साथ जो एक्स का कोएफिशिएंट है हाँ उसको उसके नीचे लिख लेना है, तो इस पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 5 है ना, यानी अगर जब उसको लिखेंगे ना, जिसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर कायदे से फॉर्मूले के अनुसार एक्स अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स के साथ 5 है, इसलिए पूरे के पूरे 5 आ गया, तो ऐसा हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस में सी, देख लो भाई चेक कर ले, ये आंसर है पक्का, मत देख लिया कर पहले से, दिक्कत ना बात है फिर है, ये है ना, हाँ एकदम ये है, प्लस माइनस का एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, आंसर चक लिया कर, चलो बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4, ठीक है, और ये dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि नीचे वालों को क्या कर लो, क्या कर लो कि क्या करें हम, नीचे वालों को टीलेट कर लें हैं, अगर हम मान लो अगर हम नीचे वालों को टीलेट कर लेते हैं हैं, इसका करके हो जाएगा, तो ऊपर वाला फंस जाएगा ना, फिर 3 को बाहर ले लेंगे, तो किसे डिलीट कर लें, 3 को बाहर ले लें, अगर किसे एक काम करें, अगर ना हाँ फिर रूट में आएगा,
ऊपर एक्स फंस जाएगा ना, ऊपर क्या फंस जाएगा, एक्स फंस जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं ना इसको हम, देखो अगर हम इसको ऐसे करें ना, अगर हम इसको ऐसे करते हैं 3x/1, ठीक है, और ये रूट टू और ये ऐसे तो आएगा ही अगर हम चाहें तो। बताओ एक्स पावर चार है ना, तो ले ऐसे कर दे, ले भाई है ना, बताओ लिख सकते हैं हम। अब देख भाई वो देखो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू है। अच्छा, हाँ। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स पावर चार। अब ये काम कर ले, अब ये काम कर ले कि अब इस पूरे किसको रूट टू एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर ले, नहीं क्यों ना रूट टू को ना लेना, किसको लेते हैं एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं ना, कि एक्स स्क्वायर को क्या लेट करते हैं टी, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा, क्या होगा 2x और dx y dt बराबर 1, तो 2x dx बराबर में dt। अब ये काम करें कि x dx को ऐसे रहने दो और ये कर दो dt y 2। तो ये जो पीछे है ना, ये जो x dx चल रहा है इसके जगह क्या जाएगा dt y 2। भाई 3 को तुम बाहर ले लो, ठीक है, x से dx की जगह आ जाएगा dt y 2, ठीक है भाई। फिर 1 तो क्या है, 1 है, रूट टू है, रूट टू, और आपने x स्क्वायर को क्या लेट किया था t, तो पूरे का स्क्वायर। बोलो भाई ऐसे आएगा ना, तो दो बाहर ले ले, जगह 3/2 और dt अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू टू टी का होल स्क्वायर। पहली बात तो ये, अब एक चीज़ देख इसमें भाई रही बात किसकी, मेन तो अच्छा रूट टू तो नहीं ना है। तो अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कौन सा वाला, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला सर, डी एक्स अपॉन में हाँ वही मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, क्या होता है 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। तो भाई 3/2 तो बाहर ही रहेगा है ना, वो तो बाहर ही रहेगा 1 अपॉन में ए, ए कौन है 1, टेन इनवर्स एक्स एक्स, ये देखो ये आएगा एक्स की जगह, एक्स क्या आएगा रूट टू टी, रूट टू टी और ए की जगह क्या आएगा, एक जगह क्या आएगा one. एक जगह 1 आएगा प्लस में c। अब मैंने क्या बोला था भाई कि जो ये जो t जिसको हमने x जो t है ना t, ये जो कोएफिशिएंट है ये अकेला रहना चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे पूरे को क्या करेंगे, पूरे को किससे डिवाइड करेंगे अंडर रूट टू से। जब डिवाइड करोगे ना, देख बेटा जब डिवाइड करोगे, जब इस पूरे को अंडर रूट टू से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2√2 हो जाएगा, ये जो 3/2 में इस पूरे में डिवाइड दोगे रूट टू का है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना, और tan इनवर्स रूट टू और t को हमने क्या लेट किया, t को लेट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस में c। देख लो भाई एक बार आंसर क्या है, चेक कर ले भाई आंसर, भाई देख लो भाई एक बार, एकदम सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। पर सिक्स देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - x^6, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - x^6, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - x^6 और साथ में ना जो भी है dx, यार साफ साफ दिख रहा है ये एकदम क्लियर है ना, किससे हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा है ना, क्या करोगे भाई, देखो x स्क्वायर है ना, तो क्या करो इसको, इसे कर दो
वन माइनस एक्स पावर तीन और बार दो। हाँ भाई है ना, अब क्या कर लो dx, अब क्या करो हमारे पास जो ना x की पावर तीन को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा ये थ्री थ्री एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt, सीधे कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई तीन है ना, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई तीन आ जाएगा, तो यानी कि वन बाई तीन ऊपर आ जाएगा डी टी वन माइनस इसी क्या लेट किया हमने टी इसका स्क्वायर और ये इसका वन का स्क्वायर लिख दो, तो अब ये लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा वाला भाई कि डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है ये वन अपॉन में टू ए, याद नहीं है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस में सी, वन पॉन में टू ए, ए क्या यहाँ पर ए तो वन ही है, ए क्या यहाँ पर वन प्लस एक्स का क्या आएगा टी ना टी और वन माइनस टी प्लस में सी, तो वन पॉन में टू टी हमने क्या लट किया भाई टी लट किया एक्स क्यूब और वन माइनस टी लट किया एक्स क्यूब प्लस में सी, देख लो भाई कोई आंसर में कोई समस्या है तो चेक कर ले एक बार आंसर भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आंसर भाई। कहाँ पर बाहर वन बाय थ्री का था, अच्छा ओहो सॉरी एक बार तीन लिखा भूल रहा सॉरी हाँ ये एक बार तीन लिखना भूल गया मैं सॉरी एक बाई तीन में तो भाई क्या हो जाएगा एक बाई छः, ठीक है हाँ लॉग, हाँ तो लॉग तो आता है इसमें लॉग, तो प्रॉब्लम हमने सही लिखा ना, अच्छा क्या आता ओ सॉरी ये फॉर्मूला इसका ये होता है ना, हमारे फॉर्मूला क्या लिख दिया नहीं फॉर्मूला में हमने गलती कर दी ना, क्या आता है वन अपॉन में टू ए लॉग ना, अरे यार फॉर्मूला क्या गलत है प्लस में सी, पर यहाँ क्या आ जाएगा लॉग तो आएगा ना लॉग आएगा भाई, फॉर्मूला में गलती मत क्या कर यार, ठीक है हाँ अगला बता, हाँ अगला बता एक्स माइनस हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब देखो बेटा ये है ना भाई, एक काम करने इसको दो पार्ट में तोड़ दे हाँ? एक बार इसके साथ कर दे और इसके साथ कर दे इसको, मतलब या तो इसको ऐसे कर दे या तो इसको ऐसे कर दे ना, क्या अरे इसके साथ ना एक बार x अपॉन में ऐसा कर दे, एक बार यहाँ तोड़ दे इसको और एक बार ऐसे कर दे है ना, ऐसे कर दे इसको, ठीक है भाई है ना, और फिर इसमें काम करना इस वाले देखो इस पे इस वाले पार्ट के लिए ना, देखो इस वाले पार्ट को मान लो आई वन, देखो इस पूरे को आई मान ले कि भाई मान लो आई के बराबर है, आई बराबर एक्स अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर और ये है ना एक्स माइनस एक इसको क्या करेंगे अगर इसको सॉल्व करें ना, अगर इसको हम टी लेट करें यार, अगर टी लेट करेंगे ना तो एक्स माइनस डी एक्स
क्या करें? अरे इसको एक काम करें, इसको एक काम करें, इसको एक काम करें, इसको एक काम करें। देख बेटा, अगर इस अगर इसमें एक काम कर लें, चलने दो इसको, अगर इसको ना इस पूर्व आई मान ले, मतलब इसको आई मान ले ना, और जिसमें से इसको मान ले आई वन और इसको मान ले आई टू, ठीक है जी, ये हो जाएगा आई। तो अगर पहले मान लो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, आई वन को सोल्व कर रहा हूँ, आई वन को, ये एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। अगर मैं इसको टिलेट करूँ, अगर मैं इसको टिलेट करूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन को, मैं टिलेट करता हूँ तो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर डी टी वाई दो। तो देख बेटा, एक्स डी एक्स की जगह डी टी वाई दो आ जाएगा, वन बाई टू डी टी, और इसे हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लेना। अब देख भाई, अगर इसका इंटीग्रेशन करेगा ना तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा रूट टी को, अगर ऊपर ले जाएगा, अगर इसको मान लो इसे क्या ले सकता है, रूट टी को तो ले सकता है क्या, टी के पावर एक बाई दो ना, ये ले सकता है ना। अच्छा इसी को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस एक बाई दो और डी टी। अगर इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा भाई, इसमें एक जोड़ेगा कितना कितना आएगा, इसकी पावर आधा है ना, और वही आधा क्या जाएगा नीचे प्लस में सी। फिर जब इसको उल्टा करेगा ना, ये ऊपर आ जाएगा ना इसे, है ना, ये आ जाएगा दो बाई दो मतलब, और टी की पावर एक बाई दो मतलब, अब टी की पावर एक बाई दो मतलब अंडर रूट टी प्लस में सी। तो अंडर रूट टी का मतलब क्या है, जो आई वन को सोल्व कर रहे हैं, तो अंडर रूट टी का मतलब क्या है, टी किसको लेट किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी, ठीक है, आई वन आ गया। तो ये तो आ गया आई वन, इसको फर्स्ट मान लो, और ऐसे ही जो कौन है आई टू है, आई टू में साफ साफ दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, ये तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला डी है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या इसका हमारे पास लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में सी। तो जो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा आई टू वाले को, है ना भाई, जो आई टू वाला है ना ये, तो ये भैया ये एक्स है और ये ए है, तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए मतलब वन का स्क्वायर प्लस वन सी। अभी काम कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो, ध्यान दो इसके बाहर माइनस में था, यहाँ ना बाहर माइनस चल रहा था, यहाँ पर तुम बाहर माइनस आता रहेगा। तो जब आई वन और आई टू को जोड़ोगे तो आई वन तो ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी। देख ले भाई एक बार, चेक कर ले भाई एक बार।